हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आसिफ इरफान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट ऑफ अस 2 रीमास्टर्ड प्लेस्टेशन 5 एडिशन के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं। आज के चैप्टर का नाम है पैकिंग अप। लास्ट चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आपने देखा कि जूल को एबी ने मार दिया, एबी ने जूल को क्यों मारा, प्लस एली को क्यों छोड़ दिया और एली एबी से जूल का बदला कैसे लेगी। इन सब सवालों के जवाब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर या मे बी नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टोरी जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी फिर हमें पता चलेगा कि जूल को एबी ने क्यों मारा है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल माई न्यू वीडियोज थ्रू नोटिफिकेशन। और एक चीज छोटी सी ऐड करता चलूं कि इंडिया से मुझे बहुत सारा प्यार कॉमेंट्स और लाइक्स की सूरत में मिलता रहता है, तो इंडियन फैंस के लिए लव यू हो गया। पैकिंग अप से तो यही लगता है कि एली साहबा जो है जूल चुके मर गया, तो यहाँ से ले के सब कुछ खिसकंतरू हो जाएगी क्योंकि एबी ने एली को जिंदा छोड़ दिया। उसकी दुश्मनी सिर्फ जूल के साथ थी। अब जूल मिलर अब क्यों मारा है एबी ने जूल को, ये तो जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होगी वैसे पता चलेगा। तो डीना ने आके वहां से इसको रेस्क्यू किया था, काफी ज्यादा ये भी जख्मी हो गई थी। अब मेरे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है, मैं भी आप लोगों के साथ ही देखूंगा के आया एबी ने जूल को क्यों मारा। तो दैट इज आल्सो बिट सरप्राइजिंग फॉर मी कि स्टोरी इस तरह भी ग्रो हो सकती है। आई थिंक सो कि कोई पिछले पार्ट में इनकी दुश्मनी पड़ी है लास्ट ऑफ अस 1 में, जो कि यहीं तक आ गई है। देखते हैं, जा रहे हैं यहां से। चलें जी, अब टाइम टू गो हो गया। हो, वैसे मुझे भी अफसोस हुआ कि एबी को क्यों मारा उसने, एबी ने उसको क्यों मारा। Looks like Tommy took one. Now Maria's got the stables locked down. Fucking Tommy. We'll figure something else out on the way. टॉमी को भी छोड़ दिया उसने, जो जूल का ब्रदर था आई थिंक सो, या दोस्त था। This makes getting to Seattle a lot harder. Then it's gonna be harder. You can still change your mind, you know. I know. Just don't want you to feel like you have to. Ellie. You go, I go. End of story. Yes, need to get my backpack. You want to slip out that way. तेरी बातों में ऐसा उलझा जी, बाटे ही बाटे। आपका भाई लाइव सेशन प्लेस्टेशन 5 के ऊपर अनचार्टेड 4 का भी कर रहा है, तो गो चेक दैट आउट। देखते हैं आपको हमारे लाइव सेशन पसंद आते हैं का नहीं पसंद। आई डोंट थिंक सो कि इस चैप्टर में कोई एक्शन होने वाला है क्योंकि लास्ट चैप्टर में टका के एक्शन कर लिया है। इसमें सिर्फ पैकिंग अप और रैपिंग अप ही होना है। रैपिंग अप, बंदी के हाथ कांप रहे हैं। बी 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 व्हाट डू यू नीड? आई कैन गो गेट इट। नो, आई वांट टू डू इट। ओके 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 I'm okay. Come on. I'll hang out down here. Thanks. Wow, TV on hi kar le bibi, band TV dekhi ja rahi hai. Main zara check kar raha hu ki kithe koi cheez chok ke jeb ch na pa leve hain. Bhai dhyan rakhna chahiye na. ठीक है हमारे साथ उसकी यस कमांडो है, लेकिन आहो भाई बंदे आजकल बहुत बेदबारे, हालात बहुत खराब हैं, इसलिए ध्यान रखें भाई साहब। वाओ, इसमें क्या है, कप कॉफी का खाली है कि
अंदर है कॉफी, उल्लू बना हुआ है उल्लू। ये इसको ज्योल शोल ने तो गिफ्ट नहीं किया था कहीं? वाओ, नोट डाउन कर लिया हमने कि इसमें हमने कॉफी पी थी। अभी ये यहां से शहर छोड़ के एबी से डर के कहीं भाग रहे हैं, कहीं छुप रहे हैं, या दे आर ट्राइंग टू सर्च द एबी के हम एबी के पीछे जाएंगे और उससे अपना रिवेंज लेंगे। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से रिवेंज का ही सीन होगा, क्योंकि स्टोरी तो आगे इसी तरह ही प्रोग्रेस करेगी ना। जूल को उन्होंने मरवाया इस तरह, इकट्ठे ही चार गिटार, ये पांचवा। ले जी भाई साहब, हमने यहाँ पे भी जनरल एंट्री कर लिया है। वाओ, ये तो वॉशरूम में आ गए हैं, टॉवल ही टॉवल पड़े हुए हैं। ओह वाओ, ये तो वही घड़ी नहीं है जो उसने रिपेयर करवा के गिफ्ट करनी थी या की थी, वही लग रही है मुझे। ओके, एवरीथिंग ओके, आवाज आ रही है। मैं चाह रहा हूँ ज़रा अच्छे से ज़रा आहो करके सर्च कर लें सारा, फिर नीचे जाएं, कोई लूट शूट पड़ी हुई है कुछ यार। वैसे तो हम यहाँ पे आई थिंक सो के बैकपैक लेने आए हैं, अब आई डोंट नो के क्या होगा। ओए, ये कौन आ गया? ये पहले तो नहीं थी इधर। अच्छा, वो इसलिए डैनी आवाज़ें दे रही थी। Maria, I'm headed to Seattle. I wish I could let it go, but I can't. I have to bring these people to justice. Ellie's going to try to come after me, but stop her. Take her guns, lock up the horses, maybe lock her up. ये किसने लिखा है इसको? Buy me some time so I can end this. Love you always, Tommy. Tommy, अच्छा. He's going to get himself killed. He should have taken me with him. You should have given us a group to go after those fuckers. I wish I could. You gonna try to lock me up? I'd prefer that you stay. That's not gonna fucking happen. I prefer that you stay, but I know you better. You going with her? Yeah. So you're just gonna sneak out of here? Yeah. On foot? Yeah. I told the stable to let you out with your horse. Grab some ammo too. Thank you, Maria. तो जी मारिया को टॉमी ने लेटर लिखा है, वो जो ज्यूल के साथ होता था। Do me a favor and bring my dumbass husband home in one piece, please. टॉमी साहब ने कहा कि जी एली को बाहर ना जाने देना। Get going, you're losing light. कि टाइम हो रहा, रात हो रही है, यू आर लूजिंग लाइट। कह रहा है कि इनको बाहर ना जाने देना, ये कहीं, ये कहती मत जाने ही जाना है। इट्स मीन कि डिसाइड हो गया कि हम उन फकल से बदला लेंगे ज्यूल का, तो साथ में ये भी पता लगेगा कि उसने उनको क्यों मारा। अब डैनी इसके साथ जाएगी, क्या बात है यार, पोपट लग रही है यहाँ पे। तो फाइनली होता है दी पैकिंग अप
चैप्टर का यहीं तक समाप्त, खत्म, शुद्ध, एंड शुद्ध, आहो शुद्ध। तो बहुत ही मज़ा आया, अभी स्टोरी ग्रो कर चुकी है, स्टोरी प्रोग्रेस कर चुकी है, अगला चैप्टर इससे भी धांसू किस्म का होना है चाह रहा है। डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। भाई साहब के साथ आपको लास्ट ऑफ अस टू रीमास्टर्ड खेलने को मिलेगी। ओए होए 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 होए, कमाल कमाल की अपॉर्चुनिटी है। तो मी आसिर इरफान गाजी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप मेरी पक पक सुनकर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। लव यू हो गया।